हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग सामान्य भूगोल में जो 1500 से लगभग 2000 प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ा रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे पास पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन है? भारत की सबसे अधिक जो उपजाऊ मृदा है वो आपको जलोढ़ मिट्टी है, जिसको हम लोग एलुवियल सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल जो है ना, आपको सबसे ज्यादा आपको उपजाऊ होता है मिट्टियों में। भारत में जो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है? एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो वही नदियों की जो आपको लाई जाए, नदियों के द्वारा लाई जाए जो निक्षेप होती है, उसके द्वारा जो है ना आपको जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, और इसी के कारण ये आपको बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, बहुत ज्यादा जो है ना आपको इसमें फर्टिलिटी होता है। मतलब कहने का ये अर्थ है कि नदियों के द्वारा जो है ना आपको कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, तो नदियों के निक्षेप जो होते हैं उससे आपको जो है ना जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, एलुवियल सॉइल का निर्माण होता है नदियों के निक्षेप से। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? तो कछारी मिट्टी है। भारत कछारी मिट्टी को ही जो है ना हम लोग क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल कहते हैं। उसी को हम लोग जो है ना जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। एलुवियल सॉइल कह लीजिए या आपको जलोढ़ मिट्टी कह लीजिए, तो ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है ना आपको, जिसको नदियों के निक्षेप के द्वारा होता है, तो वही जो है आपको भारत का सबसे बड़ा मिट्टी जो है, सबसे ज्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये आपको बहुत ज्यादा आपको उपजाऊ होता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? तो सबसे ज्यादा जो है ना जलोढ़ मिट्टी भारत के आपको सर्वाधिक क्षेत्र पे जलोढ़ मिट्टी जो है ना विस्तृत है, सबसे ज्यादा जो है ना आपको जलोढ़ मिट्टी का जो है विस्तार है भारत में, जिसको कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एरिया में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? कछारी कह लीजिए या जलोढ़ कह लीजिए। निम्नांकित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? फिर से सेम क्वेश्चन आपको रिपीट हो गया है, जलोढ़ मिट्टी जो है ना भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो आपको उसको बोला जाता है पुरानी को बांगा। पुरानी को क्या बोलते हैं? जो आपको कछारी मिट्टी होती है, जो पुरानी हो जाती है मिट्टी, जो उसको बांगर, उस पे जो है ना आपको जो है ना उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, और जो आपको नई कछारी मिट्टी होती है उसको हम लोग खादर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? खादर। खादर किसे कहते हैं? ये रहा आपके पास जो है ना खादर भी है, तो खादर जिसमें आपको जो नई कछारी मिट्टी होता है उसको खादर कहते हैं, उसमें उत्पादन क्षमता ज्यादा होती है, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, उसमें उत्पादन क्षमता कम होती है। ठीक है, आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, जिस भूमि में जो है ना उत्पादन क्षमता कम होती है, वहां पे जो है ना खेती नहीं होता है, उसको बंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? बंजर। तो वैसे बांगर मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, और जिसमें उत्पादन नई जलोढ़ मिट्टी, जिसमें उत्पादन क्षमता अधिक होती है, तो उसको क्या कहते हैं? खादर। अरे खाद डालने से जो है ना वो उत्पादन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। खाद से उत्पादन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो नई जलोढ़ मिट्टी में उत्पादन क्षमता ज्यादा होता है, तो खाद से याद कर लीजिए खादर। खादर मतलब जिसमें उत्पादन क्षमता ठीक होती है, उत्पादन क्षमता अधिक होती है, वो खादर मिट्टी होती है, और जिसमें आपको जो है उत्पादन क्षमता कम होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी कहते हैं। मतलब वो जो है ना आपको पुरानी कछारी मिट्टी, पुरानी को बांगर और नई को खादर। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? बलुई मिट्टी जो होती है, बलुई दोमट, बलुई मिट्टी की जो है ना जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, वाटर को होल्ड करके नहीं रख पाती है, उसमें जो है ना आपको जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। तो सबसे कम जो है ना आपको जल धारण क्षमता कौन सी मिट्टी में होती है? बलुई मिट्टी में होती है। किसमें होती है? आपको बलुई मिट्टी में होती है। आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से मिलाना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, मिलाते हैं जोड़ी को। हमारे पास है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी आपको उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ आपको उत्तर प्रदेश। कौन से स्टेट में जो है ना पाई जाती है?
तो आपको उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। अब जो है ना, भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब काली मिट्टी की मैं बात करता हूं, तो काली मिट्टी जो है ना आपको महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसीलिए काली मिट्टी में ही आपको कॉटन का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। और महाराष्ट्र में कॉटन का उत्पादन होता है कि नहीं होता है? तो महाराष्ट्र कपास का उत्पादन के लिए फेमस है। तो महाराष्ट्र में जो है ना कौन सी मिट्टी आपको पाई जाती है? तो काली मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? तो आपको इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में आपको जो है ना लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? आपको आंध्र प्रदेश में। और मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पे? राजस्थान। इस तरह से आप लोग जोड़ी मिला सकते हैं। ऐसे भी आपको पता था कि मरुस्थलीय मिट्टी जो है ना कुछ नहीं, तो मरुस्थल जो है ना राजस्थान में है, तो मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पे? राजस्थान में। तो डी का कौन सा? फर्स्ट। डी का फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन में है, मतलब ए और बी, ए और सी कट जाता है, बी और डी। काली मिट्टी आपको पता है महाराष्ट्र, तो बी का कितना हो जाएगा? थर्ड। तो बी का थर्ड केवल और केवल इसमें है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी महाराष्ट्र, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश, और मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पे आपको पाई जाती है? ये राजस्थान में पाई जाती है। हमारे पास अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? कैल्शियम, सॉरी, पश्चिमी राजस्थान में कैल्शियम की जो है ना आपको मात्रा बहुत है। आपको जो पश्चिमी राजस्थान है, जैसे हम लोग भारत का मैप बनाए, तो ये जो राजस्थान है, जिसका राजस्थान का जो पश्चिमी वाला एरिया है, इधर वाला एरिया पश्चिमी राजस्थान, राजस्थान का पश्चिमी भाग है, इसमें आपको उस पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा है आपको पश्चिमी राजस्थान में। आगे हमारे पास प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर का, मटर जो पी प्लांट होता है, वो जो हम लोग मटर का जो पौधा होता है, वो आपको नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है मिट्टी को। जो पी मटर होता है, वो मटर जो है ना आपको मिट्टी को नाइट्रोजन से क्या कर देती है? भरपूर कर देती है आपको। अगला हमारे पास प्रश्न है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द फसल आपको उगाई जाती है भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, भूमि की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कौन सा फसल उगाया जाता है? उड़द। भूमि की जो है ना उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सी जो है ना फसल उगाई जाती है? तो उड़द का जो है ना फसल उगाया जाता है भूमि की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है, तो मिट्टी के लाल रंग होने का कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड जो है ना, फेरिक ऑक्साइड के कारण मिट्टियों का रंग कैसा होता है? लाल होता है। जो लाल मिट्टी होता है उसका रंग लाल क्यों होता है? इसका कारण है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति होने के कारण उसमें फेरिक ऑक्साइड विद्यमान होता है, जिसके कारण आपको लाल मिट्टी का कलर कैसा होता है? लाल होता है। उसका कारण क्या है आपको? फेरिक ऑक्साइड। हमारे पास अगला प्रश्न है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्वों की कमी है, सबसे ज्यादा जो है ना भारत की मिट्टी में जिंक की कमी है, जस्ता की कमी है, जिंक की जो है ना भारत की मिट्टियों में आपको बहुत ज्यादा कमी है, सबसे ज्यादा जिंक की कमी पाई जाती है भारत की मिट्टियों में। तो हमारे पास क्वेश्चन ये था, जिस सूक्ष्म तत्व की जो है ना सबसे ज्यादा कमी है, वो सूक्ष्म तत्व कौन सा है? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? जिंक। वो आपको ऑप्शन डी में है। हमारे पास अगला प्रश्न है कि करेवास मृतिका जफरान, केसर, केसर, केसर जो है ना आपको एकमात्र जो है ना जम्मू कश्मीर में होता है। केसर का उत्पादन कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे होता है? पूछा भी वही है कि आपको केसर का जो है ना एक स्थानीय उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है, मतलब कश्मीर में, आपको कश्मीर हिमालय में जो है ना केसर का उत्पादन होता है, कश्मीर जिसको जो है ना जाफरान भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जाफरान है, ठीक है, वो आपको करेवास मृतिका में होता है। ठीक है, अब वही पूछ रहा है, हमारे पास क्वेश्चन है कि केसर का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो जम्मू कश्मीर के हिमालय वाला जो रीजन है, कश्मीर हिमालय में आपको जो है ना केसर का उत्पादन होता है। ठीक है, पौधों के सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चिकनी मिट्टी में पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है, क्योंकि जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपको बहुत ज्यादा होता है, पानी को धारण करने की क्षमता, जल धारण क्षमता सबसे अधिक जो है ना चिकनी मिट्टी में होती है, इसलिए सबसे अधिक पानी जो है ना पौधों को किसमें मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में पौधों को सबसे ज्यादा पानी मिलता है, क्योंकि चिकनी मिट्टी में आपको पौधों को सबसे ज्यादा पानी मिलने का कारण ये है, क्योंकि आपको चिकनी मिट्टी बहुत ज्यादा जो है ना उसमें
जल जल धारण करने की क्षमता होती है। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होने के कारण आपको सबसे ज्यादा पानी पौधों को चिकनी मिट्टी में मिलता है। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? जो सामान्य फसलें हम लोग उगाते हैं, जैसे आपको चावल गेहूं ये सब, उसके लिए जो है ना मिट्टी का जो है ना आपको पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए? 6 से 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आपको सामान्य फसल का जो है ना उगाना है, सामान्य फसल का उत्पादन करना है, उसके लिए आपको मिट्टी का पीएच वैल्यू 6 से 7 के लगभग होना चाहिए। हमारे पास अगला प्रश्न है, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो आपको जिप्सम का उपयोग करने से आपको जो मिट्टी का जो लवणता और क्षारीयता का समस्या होता है उसका हल निकलता है, दीर्घकालीन जो है ना हल है वो आपको जिप्सम का प्रयोग करने से मिट्टी की क्षारीयता और जो लवणता होता है उसका दीर्घकालीन हल क्या है? आपको जिप्सम है। हमारे पास अगला प्रश्न है, भारत में लवणीय मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो गुजरात में। भारत में सबसे ज्यादा जो लवणीय मिट्टी होता है वो आपको कहाँ पे पाया जाता है? गुजरात में लवणीय मिट्टी का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बगान के लिए, तो आपको जो है अम्लीय मिट्टी जो होती है वो आपको चाय बगान के लिए उपयुक्त होती है, मतलब आपको चाय बगान के लिए सबसे अच्छी जो है मिट्टी वो कौन सी है? आपको अम्लीय मिट्टी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अम्लीय मिट्टी जो है ना चाय बगान के लिए उपयुक्त मिट्टी है। फसल चक्र आवश्यक है ताकि जो है ना मिट्टी का उर्वरक क्षमता जो है ना आपको बना रहे, मिट्टी का उर्वरक क्षमता जो है ना बढ़ता रहे, मिट्टी की जो आपको उर्वरक क्षमता होती है वो उसको बनाए रखने के लिए फसल चक्र जरूरी है। मतलब फसल चक्र होता क्या है, एक ही फसल को बार बार जो है ना खेत में नहीं उगाना है, आपको उस खेत में बदल बदल के फसल को उगाया जाना ही फसल चक्र कहलाता है। पर कभी गेहूं चावल धान, मतलब उसके अलावा जो है ना आपको चना वगैरह ये सब सारी चीजों का जो है ना मतलब बदल बदल के जो है ना फसलों को उगाना ही जो है ना फसल चक्र कहलाता है। तो फसल चक्र जो है ना आपको मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बनाए रखने के लिए, उर्वरक जो क्षमता होता है उसमें वृद्धि के लिए आपको जो है ना फसल चक्र को अपनाया जाना अति आवश्यक होता है। इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, फसल चक्र, क्वेश्चन ये था फसल चक्र क्या है, फसल चक्र क्यों आवश्यक है, तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता में वृद्धि हेतु या मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बनाए रखने हेतु आपको फसल चक्र जरूरी है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण के द्वारा। मिट्टी अपरदन मतलब जो है ना मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। सॉइल इरोजन होता क्या है, तो सॉइल इरोजन जो है आपको सॉइल इरोजन मृदा अपरदन आपको मिट्टियों की जो कटने छट जो मतलब जो है ना मिट्टियां होती हैं वो आपको वर्षा पानी के द्वारा, आपको विंड के द्वारा या अन्य किसी भी कारण से मिट्टियों को जो कटने छटने की प्रक्रिया होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। तो मिट्टी को जो है ना मतलब मृदा को अपरदित होने से रोकने के लिए सबसे उपाय क्या है, सबसे अच्छा उपाय वन रोपण। आप लोग जितने ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएंगे उस पौधे लगाने से जो उसकी पौधों की जड़ होती है, जो पेड़ों की जड़ होती है वो मिट्टियों को जो है ना जकड़ के रखती है, जिससे मिट्टियां जो है ना कटने छटने का जो है ना उसमें आपको काम नहीं हो पाता है। मृदा अपरदन से वो आपको मिट्टियां क्या हो जाती हैं, बच जाती हैं। तो आपको मृदा अपरदन से बचने का सबसे अच्छा कारण क्या, सबसे अच्छा उसका उपाय क्या है, कैसे रोक सकते हैं मृदा अपरदन को, तो पेड़ पौधे लगा के आपको वनारोपण के द्वारा वन को लगा करके आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, कत्था बनाने हो तो किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो कत्था बनाने के लिए, अरे कत्था कौन सी जनजाति बनाती थी, खैर खैर जनजाति मैंने कल परसों डिस्कस किया था आप लोगों को, जब पीछे पीछे के वीडियोस देखेंगे तो खैरवार जो जनजाति थी वो आपको खैर का उत्पादन करती थी। कत्था बनाने का काम जो है ना कौन करती थी, खैरवार जनजाति, वो खैर ही बनाती थी, इसीलिए उस जनजाति को शायद खैर कहा जाता था, तो खैरवार जनजाति कहा जाता था। तो ये जो है ना खैर का जो लकड़ी होता है उससे जो है ना कत्था बनाने का काम किया जाता है। तो कत्था बनाने हेतु तो किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है, तो खैर पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है कत्था बनाने के लिए। ठीक है, कत्था कौन सी जनजाति बनाती थी, तो आपको खैरवार जनजाति। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं, तो फर्न एक पौधा है जिसमें फूल नहीं होता है, फर्न पौधे में आपको फूल नहीं होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन था कि इस पौधे में फूल नहीं होते, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फर्न पौधे में फूल नहीं होता है।
निम्न में कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पे पाया जाता है? देवदार का वृक्ष जो है ना समुद्र तल में सबसे ज्यादा ऊंचाई पे पाया जाता है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है आपको? देवदार। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है? इसका उत्तर क्या? सबसे ज्यादा भारत में नलकूप से सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से उत्तर प्रदेश में होती है। नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई कौन से राज्य में होती है? भारत के उत्तर प्रदेश में होती है। हमारे निम्नलिखित में किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि का क्षेत्र सबसे अधिक है? अभी जस्ट तो हमने बताया कि नलकूप के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश राज्य में होती है। नलकूप के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में होती है। हमारे पास अगला प्रश्न है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य? उसी को जो है इधर उधर करके आपके पास क्वेश्चन को घुमा फिरा के बस थोड़ा मोड़ा जो है ना बदल के जो है ना आपको आपके सामने क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा जो है ना भारत का कौन सा राज्य है जो आपको नलकूपों का प्रयोग करके सिंचाई का प्रयोग करता है? सिंचाई के प्रयोग में सबसे ज्यादा नलकूप का प्रयोग करने वाला आपको कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। हमारे पास फिर से अगला क्वेश्चन है, मंगलम सिंचाई परियोजना आपको मंगलम केरल केरल में मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? केरल में। मंगलम सिंचाई परियोजना आपको केरल में है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है आपको? घरी के बैराज। इंदिरा गांधी जो नहर है वो बहुत ज्यादा ये सिंचाई का जो है ना इसका प्रयोग किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर का प्रयोग सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा होता है। भारत की सबसे बड़ी नहर है ये। आपको इसका जो उद्गम स्थल है वो क्या है? हरि के बैराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हरि के बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत किन नदियों के संगम पे है? सतलज और ब्यास के संगम पे है आपको हरि के बैराज। हरि के बैराज कहाँ पे है? सतलज और ब्यास के संगम पे है, जो कि इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत है। कौन सा? हरि के बैराज। हरि के बैराज जो है ना इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत है, जो कि ब्यास और सतलज नदी के आपको संगम पर स्थित है। बस आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर से मिलेंगे कल। धन्यवाद। वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और वैसे अभ्यर्थी जो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको आप फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि वो भी इनका आनंद उठा सके, इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।